Hello everyone. Now we are going to study about mutual exclusion and critical section problem. These topics are given by my student. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक सेक्शन बनाते हैं, इसको हमने नेम दे दिया क्रिटिकल सेक्शन. अब एक क्रिटिकल सेक्शन क्यों है? बिकॉज यहाँ पर एक रिसोर्स रखा हुआ है, उसको मैंने नेम दे दिया वेरिएबल. अब इस सेक्शन के अंदर एक प्रोसेस है P1. वो P1 क्या कर रही है? वेरिएबल को यूज़ कर रही है, एक्सेस कर रही है. ओके, अब यहाँ पर एक प्रोसेस आ गई P2. अब यदि P2 ने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर लिया तो हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम अराइज हो गई. अब अगर मान लीजिए कि P2 ने P1 के साथ में, मीन्स क्रिटिकल सेक्शन में, वो एंटर नहीं कर पाई. क्यों एंटर नहीं कर पाई? क्योंकि यहाँ पर P1 पहले से थी. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन. जब क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज़्यादा प्रोसेस एंटर कर पाए उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. और जब क्रिटिकल सेक्शन में एट अ टाइम एक ही प्रोसेस हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन. और सिंपल में यदि बोलूँ तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर रिसोर्स को शेयर नहीं कर सकते, नो शेयर. यदि आपको डेडलॉक आने की 4 कंडीशंस याद हो तो उसमें से एक कंडीशन एक और याली थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ये कंडीशन थी डेडलॉक के आने की. मींस जो रिसोर्स यहाँ पर दिया गया है अगर उसको शेयर करने की परमिशन मिल जाए दैट मींस डेडलॉक को रोका जा सकता था. लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि रिसोर्स को एक से ज़्यादा प्रोसेस आपस में शेयर नहीं कर सकती. सेम थिंग यहाँ पर हो रही है. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का एक और नेम है जिसको हम लोग म्यूटेक्स भी बोलते हैं. म्यूटेक्स मीन्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन. सो इस एपिसोड में फर्स्ट हम लोग लेते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कि ये होता क्या है. ओके, देन इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स व्हेन वन प्रोसेस एग्जीक्यूट्स द शेयर्ड वेरिएबल All other process desiring to do so at the same time moment should be kept waiting. Simple सी thing. Same thing यहाँ पर दी गई है. Okay, कि यदि एक variable को एक process अगर access कर रही है तो other process क्या करेगी? Critical section के बाहर wait करेगी. अब यदि P1 जो variable को access कर रही थी, okay, उस प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया, इस केस में क्या होगा? P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल जाएगी और जो भी प्रोसेस वेट कर रही थी उनमें से कोई भी एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए अलाउड किया जाएगा. जितनी भी प्रोसेस वेट कर रही थी उनमें सिर्फ एक प्रोसेस को अलाउ करेगी, एक से ज़्यादा प्रोसेस को अलाउड नहीं करेंगे. सो सेम थिंग यहाँ पर दी गई है. व्हाइल दैट प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग द शेयर्ड वेरिएबल वन ऑफ द प्रोसेस वेटिंग टू डू सो शुड बी अलाउड टू प्रोसेस. और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती जाएगी. मीन्स यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर साइमल्टेनियस नहीं होना चाहिए. साइमल्टेनियस से मीनिंग है कि मोर देन वन प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होना चाहिए. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन. अब हम लोग देखते हैं कंडीशंस फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन. कंडीशन नंबर 1, नो टू प्रोसेसेस मे एट द सेम मोमेंट इनसाइड देयर क्रिटिकल सेक्शन. क्रिटिकल सेक्शन मींस वो एरिया जहाँ पर शेयर्ड वेरिएबल को रखा है या शेयर्ड रिसोर्स को रखा है. एक बार में एक ही प्रोसेस की एंट्री होना चाहिए, बाकी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के बाहर वेट करने को होना. सेकेंड पॉइंट, नो अजम्पशंस आर मेड अबाउट रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोसेसेस और नंबर ऑफ CPUs. हर प्रोसेस को अपने आप में खुद का काम रखना चाहिए. उसको इससे कोई मीनिंग नहीं है कि P2 की स्पीड क्या होगी या CPU की स्पीड क्या होगी. तो नो अजम्पशंस आर मेड. पॉइंट नंबर 3, नो प्रोसेस शुड आउटसाइड इट्स क्रिटिकल सेक्शन शुड ब्लॉक अदर प्रोसेस. जितनी भी प्रोसेस बाहर वेट कर रही है इनमें से किसी भी प्रोसेस को ब्लॉक नहीं किया जाएगा. इसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन. पॉइंट नंबर 4, नो प्रोसेस शुड वेट आर्बिटरी लॉन्ग टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन. इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितनी भी प्रोसेस बाहर वेट कर रही है
ये आर्बिट्रेरी लॉन्ग टाइम के लिए वेट ना करे, नहीं तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको, डेडलॉक बोल देंगे। मीन जब कोई प्रोसेस इनफिनिट टाइम के लिए वेट करे वही क्या है, डेडलॉक है। तो ये था म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब हम लोग देखेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है। यदि आपको और नोट्स की रिक्वायरमेंट हो म्यूचुअल एक्सक्लूजन से रिलेटेड, तो हम और भी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर। ओके, तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, डाउट या क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को नेक्स्ट वीडियो में और कवर कर लेंगे। नाउ हम देखते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है। नाउ वी विल वर्क ऑन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो एक क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास है। क्रिटिकल सेक्शन मीन्स जहाँ पर शेयर्ड रिसोर्सेज को रखा जाता है। ओके, अब अगर इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई शेयर्ड रिसोर्स है जिसको मेन नेम दे दिया वेरिएबल, और इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है और प्रोसेस P4 है, इस केस में क्या हो रहा है? क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मोर देन वन प्रोसेस सेम टाइम पे, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। यदि हम सिंपल डेफिनेशन देखें क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की, तो वो कुछ इस तरह से रहेगी। व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन कॉन्करेंटली, दैट इज नॉन एज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या करेगा, एक इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, और इस इनकंसिस्टेंट रिजल्ट को रोकने के लिए ओके तरीके हैं, जिसमें से एक वे क्या है, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। तो अभी हम देखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होता क्या है। तो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में क्या करते हैं कि जो भी क्रिटिकल सेक्शन है ओके, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं एक एंट्री सेक्शन और एक एग्जिट सेक्शन। मीन जो भी प्रोसेस है, अगर उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है, तो उस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, एंट्री सेक्शन से होके जाना पड़ेगा। और एंट्री सेक्शन इस बात का ध्यान रखेगा कि यदि क्रिटिकल सेक्शन में पहले से कोई प्रोसेस है, तो न्यू प्रोसेस को जाने की एंट्री नहीं मिलेगी। सिंपल सा फंडा कि क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पे एक ही प्रोसेस होना चाहिए, और इसकी जवाबदारी कौन लेता है, एंट्री सेक्शन। अब यदि मान लीजिए किसी प्रोसेस को यूज़ करना कंप्लीट हो चुका है ओके, क्रिटिकल सेक्शन को, अब प्रोसेस को बाहर निकलना है, तो एग्जिट सेक्शन क्या करेगा, उस प्रोसेस को बाहर जाने के बाद क्रिटिकल सेक्शन को इस तरह से रेडी कर देगा कि जो भी नई प्रोसेस आएगी एंट्री सेक्शन के थ्रू, उसको क्रिटिकल सेक्शन रेडी मिलेगा। ये काम होता है एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन का। सब हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि जो क्रिटिकल सेक्शन है वहाँ पर एक बार में ओनली वन प्रोसेस ही एंटर करेगी, और यदि एक प्रोसेस यहाँ पर है तो अनदर प्रोसेस यहाँ पर नहीं आ सकती। यह है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रेस क्या है। अब प्रोग्रेस क्या बोलती है कि यदि मान लीजिए एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और अनदर प्रोसेस बाहर वेट कर रही है, तो अनदर प्रोसेस जो P2 है इसकी एंट्री डिपेंडेंट नहीं करती है P1 के ऊपर। मीन जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती बाहर वाली प्रोसेस की एंट्री। ओके, बाहर वाली प्रोसेस पूरी तरीके से फ्री है। अगर क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है उस केस में बाहर वाली प्रोसेस कभी भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर सकती है। और साथ ही बाहर वाली प्रोसेस जैसे P2 है, P2 क्रिटिकल सेक्शन में तब ही एंटर करेंगी जब P2 को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है। मीन्स हम फोर्सफुली P2 को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं करवा सकते। यह है प्रोग्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट में क्या होता है कि जितनी भी प्रोसेस बाहर वेट कर रही है इनका एक फिक्स टाइम होता है ओके, कि इतने टाइम के लिए प्रोसेस को वेट करना है, और उस टाइम के अंदर ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर लेना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंडेड वेट। और ये ज़रूरी भी है ओके, यदि हमको डेडलॉक से प्रिवेंशन करना है तो इस तरह की कंडीशंस को रखना चाहिए। फोर्थ वन इज़ आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल क्या बोलता है कि जो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है ये किसी भी आर्किटेक्चर के ऊपर फ्रीली रन हो सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। मीन्स हम बोल सकते हैं कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है आर्किटेक्चर पे, इस मैकेनिज्म को हम कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब क्वेश्चन ये उठता है कि जो फोर क्राइटेरिया दिए गए हैं क्या ये चारों क्राइटेरिया मैंडेटरी है, नहीं।
म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो प्रोग्रेस है, ये दो क्राइटेरिया मैंडेटरी है सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं बाउंडेड वे टू आर्किटेक्चर न्यूट्रल की, ये है ऑप्शनल। तो ये भी हमने स्टडी किया क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में। आपकी तरफ से यदि कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।